दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में जियो का सिम कार्ड लगा है और आपने अपने जियो नंबर पे पहले से ही रिचार्ज करा रखा है और आपको पता है कि 3 जुलाई से रिचार्ज प्लान बढ़ जाएंगे और आपने दोबारा रिचार्ज डबल रिचार्ज कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस कंडीशन में यदि आपके पास कोई भी रिचार्ज है पहले से और वो रिचार्ज आपका अभी 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने 4 महीने या 2 दिन 4 दिन चलेगा और आप 3 जुलाई से पहले ही रिचार्ज कराना चाहते हैं क्योंकि आपका मन है कि रिचार्ज बढ़ जाएगा तो मुझे दिक्कत होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि कंपनी खुद जो है रिकमेंड कर रही है कि आप 3 जुलाई से पहले अपने रिचार्ज को करा लीजिए, जिससे आपका रिचार्ज जब आपका मौजूदा प्लान ख़त्म होगा तब आपका रिचार्ज प्लान काम करने लगेगा। तो आप समझ चुके हैं कि यदि आपका कोई भी रिचार्ज प्लान है और वो रिचार्ज प्लान आपका मौजूदा अभी चल रहा है तो जिस डेट को रिचार्ज प्लान आपका ख़त्म होगा उसके बाद तुरंत ही वो रिचार्ज प्लान आपके चलने लगेंगे, ये कंपनी खुद दावा कर रही है। अब दूसरे कंडीशंस में ये आपको बता दें कि इससे कैसे पता चलेगा कि आपने रिचार्ज करा लिया, तो वो देखिए, यदि आपका रिचार्ज प्लान 2 महीने 4 महीने या 6 महीने या 2 दिन 4 दिन बाद आपका रिचार्ज खत्म होगा तो तुरंत ही वो प्लान काम करेगा उसके बाद। और यदि आप तुरंत भी एक्टिवेट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि मेरा रिचार्ज दोनों है या नहीं है, तो उसके लिए आप माई जियो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से लोड करिएगा। तो उसके लिए आपको इस प्ले स्टोर में आना है, आपके मोबाइल का जो भी प्ले स्टोर होगा और उसमें सर्च करना है यहाँ पे आकर माई जियो। क्या सर्च करना है? माई जियो। ये माई जियो ऐप होता है, एप्लीकेशन होता है जियो का, और इसमें अपना आप पहले टाइम फर्स्ट टाइम अपना मोबाइल नंबर डालकर इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट टाइम जब अपना मोबाइल नंबर डालकर आप ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, फ़ोन में लगा रहेगा तो ओपन हो जाएगा। अब रिचार्ज प्लान को पता करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल के लिए इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपका नंबर दिखेगा और नंबर के बगल में थोड़ा सा डॉट दिखेगा, इस तरह से दिखेगा थोड़ा सा, इस पर आपको क्लिक करना है जो नंबर के बगल में दिखेगा। अब इस तरह से उसके बाद आपका इस तरह से प्लान ओपन होगा और प्लान ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ऊपर। अब इस तरह से आपका व्यू प्लान का ऑप्शन मिलेगा, व्यू प्लान दिखेगा, इस व्यू प्लान पर आपको क्लिक करना है और जैसे व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे आपका एक करंट प्लान दिख रहा है जो आपका अभी चल रहा है और यहाँ से बगल में एक अपकमिंग प्लान दिखेगा, जिस अपकमिंग प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखिए हमारे में डोमो प्लान मिलता है, बिल्कुल फ्री में मिलता है क्योंकि मैं जियो का रिटेलर हूँ। आप में वो प्लान दिख जाएगा जो आपने रिचार्ज किया रिचार्ज ख़त्म होने से पहले, आप चाहें तो 1 रिचार्ज 2 रिचार्ज 3 रिचार्ज 1 साल 2 साल 6 महीने जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, सारा यहीं पे दिखेगा। आप तुरंत यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत प्लान एक्टिवेट हो जाएगा जिससे दोनों प्लान काम करने लगेंगे, वरना आपका जब रिचार्ज खत्म होगा तब यदि ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, वरना आप खुद से आकर यहाँ से मैनुअली एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपका पैसा व्यर्थ नहीं होगा, आप अपने प्लान कराइए और मज़े लीजिए।